नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों आप सभी को ये तो पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के हैं। अच्छा, इस लाइन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होगी, छत्तीसगढ़ का कोई भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, 12,000 से भी ऊपर पद हैं। तो जो भी अभ्यर्थी सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पदों के लिए जो भी योग्यताएं हैं उनमें अगर खरा उतरते हैं, उनको अगर फुलफिल करते हैं, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि ये एग्जाम जो है व्यापम कंडक्ट करेगा, व्यापम लेगा। अब व्यापम कोई भी एग्जाम लेता है तो उसका नोटिफिकेशन एग्जाम होने से महीना डेढ़ महीना पहले देता है। तो अगर आप वेट करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि व्यापम के लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आपको पता होगा व्यापम एग्जाम का जो डेट होता है उससे महीना डेढ़ महीना पहले ही नोटिफिकेशन निकालता है। तो बिल्कुल भी इंतजार मत करिए कि कब व्यापम नोटिफिकेशन निकालेगा, कब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। आपको ये तो पता है कि एग्जाम ये होगा, कंफर्म होगा एग्जाम, लगभग इतने ही पदों के लिए एग्जाम होगा। तो ये जब पता है कि एग्जाम होगा, इतने सारे पद आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है, अभी से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा बड़ा है, अभी मैं सिलेबस को डील करूंगा। सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसका, तो उतने सिलेबस को कवर करने के लिए आपको 5-6 महीने चाहिए होंगे, और हो सकता है एग्जाम 5-6 महीने से पहले हो जाए, हो सकता है, तो आपको और तेजी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ मत करिए, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आ सकता। इतने सारे पद हैं, आप खुद सोच के देखिए, 12,000 से भी ऊपर पद होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिलेबस क्या है, सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों के लिए सिलेबस क्या है, डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा भी कि हमारे द्वारा सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों की तैयारी कराई जाएगी, किस प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, वो सारी बातों पर चर्चा करूंगा। क्या सिलेबस है सहायक शिक्षक का, क्या सिलेबस है शिक्षक का। व्याख्याता की तैयारी हमारे द्वारा नहीं कराई जाएगी, हमारे द्वारा सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों के लिए तैयारी कराई जाएगी। व्याख्याता में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग विषय की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वहां पे हमारे द्वारा तैयारी अभी नहीं कराई जाएगी। हमारे द्वारा जो बैच चलाए जा रहे हैं और जो भविष्य में चलाए जाएंगे, वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों के लिए होंगे। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो पद हैं, ये देखिए 6,285 पद सहायक शिक्षक के लिए हैं और 5,772 पद शिक्षक के लिए हैं। तो मैक्सिमम पद जो हैं वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए ही हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे सिलेबस पर, क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम होना है, इसके अलावा योग्यता क्या होगी। तो इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था, जो 2019 में छत्तीसगढ़ में 2019 में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, व्यापम द्वारा ली गई थी। तो उसका मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाया था कि क्या योग्यता है शिक्षक के लिए, क्या योग्यता है सहायक शिक्षक के लिए और व्याख्याता के लिए। तो सारी बातें मैंने आपको योग्यता के संबंध में पहले ही बता दी है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मान के चलिए जो 2019 का नोटिफिकेशन है योग्यता के संबंध में, वैसी ही योग्यता मांगी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 12,489। इसके अलावा ऐसा भी बोला जा रहा है जो पिछले भर्ती परीक्षा में पद खाली रह गए हैं उसको भी ऐड किया जाएगा, तो और भी पद बढ़ेंगे। फिर भी मिनिमम 12,000 पद मान के चलिए, 12,000 पद मिनिमम, बहुत बड़ी संख्या है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है,
लगातार तैयारी करना है। अगले साल भर 1.5 साल में बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, कोई ना कोई एग्जाम निकाल के सेट होना है आपको। वेट मत करिए, बहुत वेट हो गया। अब अगले 1 साल 1.5 साल में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सारे एग्जाम्स को देना है अच्छी से तैयारी करके, और कोई ना कोई एग्जाम निकाल के आपको सेट होना है। और ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा। तो जो भी अभ्यर्थी योग्यता में पूरा पूरा पास हो रहे हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वो जरूर तैयारी करें, अभी से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी वेट मत करिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों के लिए तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। एक बैच ऑलरेडी हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से संचालित हो रहा है। 1 सितंबर से वो बैच आरंभ हुआ था, लेकिन एक और नया बैच हमारे द्वारा 20 सितंबर से प्रारंभ किया जा रहा है, 20 सितंबर से, जिसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों के लिए तैयारी कराई जाएगी। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। 20 सितंबर से प्रारंभ होगा, समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। खास बात इस बैच से संबंधित ये है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे संचालित होगा एक साथ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो यहाँ पे ऑफलाइन जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। वो फायदा क्या है? तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे अगर हमारा बैच ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। मतलब जो भी आप पढ़ेंगे क्लास में बैठ के, पूरे क्लास का वीडियो आपको उसी दिन प्रोवाइड किया जाएगा, उसी दिन। इसके अलावा ऑनलाइन जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको तो वीडियो प्रोवाइड किया ही जाएगा, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो। जब तक एग्जाम होता है आप रिकॉर्डेड वीडियो को कितने भी बार देख सकते हैं। जैसे आज की क्लास का वीडियो आज ही आपको दे दिया जाएगा, तो मान लीजिए अगर क्लास में कोई समस्या थी, किसी कारणवश क्लास आप नहीं आ पाए, छूट गई क्लास, या कुछ डाउट रह गया उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू वो डाउट को दूर कर सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं आ पाए थे तो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आप क्लास को देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है हर क्लास का, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा, प्रत्येक क्लास का। जो क्लासेस होंगी वो डिजिटल बोर्ड में होंगी, जो क्लासेस होंगी वो डिजिटल बोर्ड में होंगी। अब डिजिटल बोर्ड में होंगी तो आपको PDF हर क्लास का प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। आप घर में जो नोट्स बनाएंगे, जो रिवीजन करेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास PDF भी है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से नोट्स बना सकते हैं, बहुत सहायता मिल जाएगी आपको। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा, इंपॉर्टेंट बात, संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। अभी सिलेबस बताऊंगा मैं सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक के लिए क्या है। तो संपूर्ण सिलेबस का कवरेज किया जाएगा, जो भी सिलेबस में है सारे विषयों को कवर कराया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। लगभग ऐसा मान के चल रहे हैं 5 महीने की अवधि है बैच की। अगर एग्जाम का डेट आ जाता है कि एग्जाम पहले होगा, उम्मीद है कि लगभग 5-6 महीने लग जाएंगे, फिर भी अगर लगता है कि एग्जाम पहले हो रहा है, नोटिफिकेशन आ गया कि एग्जाम पहले होगा, तो ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाएगा। सिलेबस आपका बहुत अच्छी से, ये जो ड्यूरेशन है समय का 5:30 से 8:30 वाला, ये ड्यूरेशन को बढ़ा के आपका सिलेबस बहुत अच्छी से कंप्लीट कराया जाएगा, बहुत अच्छी से। एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा होगी, जिससे एग्जाम में आपसे प्रश्न बने। केवल खानापूर्ति नहीं करना है कि सिलेबस खत्म हो गया बनता कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा होगी, डिटेल में चर्चा होगी, जिससे एग्जाम में प्रश्न आपसे बने। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। एक सप्ताह में जो आप पढ़े हैं उसी को लेकर टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आप अच्छी से तैयारी करते रहें, हर वीक आपका तैयारी अच्छी से होता रहे। जो आपने 6 दिन में पढ़ा है 7वें दिन उसका टेस्ट हो जाएगा। तो 6-6 दिन का आप जो पढ़े हैं उसका टेस्ट देंगे तो आपका रिविजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। जो भी समस्या होगी वो आप बात कर सकते हैं फैकल्टी से। 3 दिन का निशुल्क डेमो क्लास उपलब्ध है, आप 3 दिन निशुल्क डेमो क्लास ले सकते हैं, देख सकते हैं
कैसा पढ़ाई हो रहा है, आपको जम रहा है नहीं जम रहा है, सारी बातों पर आप गहन चिंतन करने के बाद इस बैच को ज्वाइन करिए। प्रत्येक दिन तीन तीन क्लासेस चलेंगी, तीन क्लासेस चलेंगी, जिसमें पहली क्लास जो होगी वो होगी मैथ्स की, समझाऊंगा बहुत बड़ा वेटेज है मैथ्स का। दूसरी क्लास जो होगी वो होगी हिंदी की, और तीसरी क्लास जो होगी वो होगी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। इन तीनों विषयों का वेटेज बहुत बड़ा है, इसीलिए इन तीनों विषयों से कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। अभी समझाऊंगा, मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है, चाहे वो सहायक शिक्षक का पद हो चाहे वो शिक्षक का पद हो। इसके अलावा हिंदी का भी वेटेज बहुत बड़ा है और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का भी वेटेज बहुत बड़ा है। इन तीन विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होगी, लेकिन कंप्लीट कराया जाएगा पूरा सिलेबस, ऐसा नहीं कि बाकी विषय कंप्लीट नहीं कराए जाएंगे, संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। तो दिन तीन दिन निःशुल्क डेमो क्लास है, आप बिल्कुल आइए, निःशुल्क डेमो क्लास है, आप ज्वाइन करिए। तीन दिन आप अगर रायपुर के ही हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन आ सकते हैं, कहीं बाहर के हैं दूसरे जिले से हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा ही लगेगा। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखे होंगे, कुछ लाइव क्लासेस के वीडियोस भी देखे होंगे, तो आपको बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा ही लगेगा। आप तुरंत कमेंट करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूर में बैठे हुए हैं, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन के जैसे ही आपकी पढ़ाई हो रही है। तो जो रायपुर के हैं, जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, जो नहीं आ सकते, जो दूर अंचल के हैं मतलब दूसरे जिले के हैं, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों प्रकार के बैचेस में बच्चों को दिए जाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन ज्वाइन करें चाहे वो ऑनलाइन ज्वाइन करें, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सभी बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी बच्चों को। तो जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दिए जा रहे हैं जिससे आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 20 सितंबर से प्रारंभ होगा, एक बार और आपको याद दिलाना चाहता हूं, 20 सितंबर से प्रारंभ होगा बैच, समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कैसे ऑनलाइन ज्वाइन करना है बैच को, और ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप रायपुर के हेड ऑफिस में, उड़ान का जो हेड ऑफिस है रायपुर में, वहां पे आके आप ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पंजीयन आरंभ हो चुका है, आप आकर पंजीयन करा सकते हैं अपना, ठीक। और अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो जरूर आइए, 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, समय है 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। बहुत पद आने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया 12,000 से ऊपर पद हैं, तो अगर आप सीरियस होके, थोड़ा भी सीरियस होके तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अगर आप थोड़ा भी सीरियस होके तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल इस मौके को छोड़ना नहीं है, तैयारी में लग जाना है। चलिए अब थोड़ा सिलेबस पे चर्चा करते हैं, योग्यता पे तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं पिछले वीडियो में, सिलेबस पे चर्चा करते हैं। मैं मेनली सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु, तो देख सकते हैं कुल अंक 150, कुल 150 अंक मतलब कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, मतलब कुल 150 अंकों के लिए परीक्षा होगी, जिसमें पहला भाग जो होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। दूसरा भाग होगा सामान्य हिंदी का, जहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। तीसरा भाग होगा सामान्य अंग्रेजी का, जहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। चौथा भाग होगा गणित का, गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। पांचवा भाग है पर्यावरण अध्ययन का, जहां से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। छठवां भाग है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। और सातवां है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। ये सामान्य ज्ञान लिख दिया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी शामिल है, लेकिन वेटेज बहुत कम है, ये देखिए केवल 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे।
सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन वेटेज बहुत कम है, केवल 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो बैच संचालित किया जाएगा उसमें मैंने बताया आपको ये तीन विषय, गणित, सामान्य हिंदी और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इन तीन विषयों के साथ कक्षाएं प्रारंभ होंगी। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वेटेज है, गणित का 30 प्रश्न का वेटेज है, हिंदी का 25 प्रश्न का वेटेज है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 अंकों का वेटेज है। मतलब देखा जाए तो 85 अंक हो गए इन तीन विषयों से, 85 अंक। अंग्रेजी का भी अच्छा खासा वेटेज है, अंग्रेजी की क्लासेस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। तो मेन मेन विषय आप देख पा रहे हैं, मेन विषय में क्या आ जाएगा यहाँ पे, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, पर्यावरण के भी 20 प्रश्न है यहाँ पे। तो सहायक शिक्षक में आप देख सकते हैं कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के। डिटेल में अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप देख सकते हैं, डिटेल में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। डिटेल बोलने का मतलब कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या क्या है, गणित में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, गणित में कौन कौन से चैप्टर हैं, इसी प्रकार पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, डिटेल्ड में आपको सिलेबस देखना है तो आप देख सकते हैं, वो आपको कहीं भी नेट में मिल जाएगा। ठीक, तो ये सहायक शिक्षक का एक मोटे मोटे तौर पर मैंने सिलेबस आपको समझाया है। अगर बात करूं मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, शिक्षक के लिए शिक्षक का जो पद होगा उसके लिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु। तो कुल प्रश्न यहाँ पे कितने पूछे जाएंगे, 150, जो कि 150 अंकों के होंगे। तो यहाँ पे भी कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। यहाँ पे पहला भाग देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 अंकों का, जैसा कि आपने देखा था सहायक शिक्षक में वही है यहाँ पे, लेकिन डिटेल्ड में आप देखेंगे सिलेबस तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। मतलब जो सब्जेक्ट है वही है, लेकिन डिटेल्ड में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, और प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो लेवल में भी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। सहायक शिक्षक और शिक्षक के प्रश्नों को देखेंगे तो स्तर थोड़ा सा कम ज्यादा दिखाई देगा आपको, लेकिन विषय वही है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि सहायक शिक्षक में था वो शिक्षक में भी है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। सामान्य हिंदी, ये देखिए आपने वहां पे भी देखा था सामान्य हिंदी, यहाँ पे भी है 25 अंक, मतलब 25 प्रश्न। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी के 25 प्रश्न 25 अंकों के, ये भी वही है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या मिला आपको, गणित और विज्ञान मिला के 30 अंक का होगा, जबकि आपने सहायक शिक्षक में देखा था यहाँ पे केवल गणित था 30 अंकों का, लेकिन यहाँ गणित और विज्ञान मिलाकर पूछा जाएगा 30 अंकों का। लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के यहाँ से, तो गणित और विज्ञान मिला के पूछा जाएगा 30 अंकों का। सामाजिक अध्ययन, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नया मिल गया आपको, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न 20 अंकों के। मतलब पर्यावरण को यहां से हटा दिया है, पर्यावरण आपका सहायक शिक्षक में था यहाँ पे नहीं है। सहायक शिक्षक का मतलब वर्ग 3, कक्षा 1 से कक्षा 5, शिक्षक मतलब वर्ग 2, कक्षा 6 से कक्षा 8। तो यहाँ पे पर्यावरण को नहीं रखा गया है, सामाजिक अध्ययन को रखा गया है। सामाजिक अध्ययन कितने अंकों का, 20 प्रश्न 20 अंकों के। सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है, समाज के बारे में, सभ्यता के बारे में, थोड़ा सा इतिहास मिल जाएगा आपको, मतलब गुप्त आ जाएगा, मौर्य आ जाएगा, समझ आ रहा है, जो भक्ति आंदोलन हुए थे, जो ब्रिटिश प्रशासन हुआ था, मतलब इतिहास का सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा भूगोल का भी थोड़ा सा सेक्शन आ जाएगा, संविधान का भी थोड़ा सा सेक्शन आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी सेक्शन है यहाँ पे, अपने आप में बहुत वृहद है ये। इसके बाद कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों के, ये वापस से सामान्य ज्ञान आ गया। अब ये सामान्य ज्ञान में बहुत सारे अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन से मिलते जुलते हैं, जैसे यहाँ पे भारत का इतिहास है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भारत का भूगोल, यहाँ पे भी भारत का भूगोल है, यहाँ संविधान है, यहाँ भी संविधान है, यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे भी भारत की अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सेक्शन है, यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ का सेक्शन है। तो ये दोनों लगभग मिलते जुलते, पांचवा और सातवां भाग लगभग मिलता जुलता है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है सहायक शिक्षक और शिक्षक में, अगर देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सामाजिक अध्ययन यहाँ पे लिख दिया है, जबकि सहायक शिक्षक में यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन था।
इसके अलावा भाग चार यहां पे गणित और विज्ञान का है, जबकि सहायक शिक्षक में केवल गणित का था। बाकी पूरा सिलेबस सेम है, अगर आप देखेंगे तो वही विषय हैं जो सहायक शिक्षक में थे। थोड़ा सा डिटेल्ड में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको वेरिएशन मिलेगा और प्रश्नों के स्तर में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। शिक्षक में थोड़े से प्रश्नों का स्तर अच्छा होगा, टफ होगा, जबकि सहायक शिक्षक में थोड़ा सा स्तर कम होगा, मतलब आसान प्रश्न होंगे इसके कंपेरिजन में। तो देख सकते हैं कुल 150 प्रश्नों के लिए परीक्षा होगी, 150 प्रश्न के लिए 150 प्रश्न होंगे सहायक शिक्षक में और 150 प्रश्न होंगे शिक्षक में। तो सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है मतलब आपको तैयारी करनी है अभी से। वेट करेंगे कि महीना भर में, डेढ़ महीना में हो जाएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तैयारी आरंभ कर चुके हैं, जो हमारा 1 सितंबर से बैच आरंभ हुआ था उसमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एकदम लग के, पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ तैयारी कर रहे हैं। डेली वो 3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो उनको काम दिया जा रहा है वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स है उनका। तो 1 सितंबर से जो हमारा बैच आरंभ हुआ था ऑनलाइन लाइव क्लासेस का, उसमें बच्चे ज्वाइन किए हैं, वो तैयारी बहुत लगन के साथ कर रहे हैं। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं थोड़े सीरियस हो जाइए, तैयारी करिए, अभी से आरंभ करिए। देख पा रहे हैं सिलेबस बड़ा है, छोटा सिलेबस नहीं है, ये विषय अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो इनको तैयार करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और समय अभी से देना स्टार्ट करिए। कोई भरोसा नहीं है एग्जाम का, कब एग्जाम हो जाए कब नहीं हो, तो अभी से तैयारी आरंभ करेंगे तब जाके आपका समय पे तैयारी पूरा हो जाएगा और एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। कितने पद हैं, अगर अब आप एग्जाम नहीं निकालते हैं तो इसमें आपका मिस्टेक है, इसमें आपका मिस्टेक है। अगर इतने पदों के बाद आप एग्जाम नहीं निकाल रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, आपने सही टाइम पे तैयारी स्टार्ट नहीं की है। आप पिछले एग्जाम्स को देख लीजिए, पिछले 1 साल में व्यापम के लगभग 5-6 एग्जाम्स हो चुके हैं, मिनिमम 5-6 हो चुके हैं। सारे एग्जाम्स के लिए व्यापम ने लगभग 1-2 महीना पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था और एग्जाम ले लिया। तो वही गलती कितने बार दोहराएंगे आप, तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। पद लेना है, सेट होना है, तो अभी से तैयारी आरंभ कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके एग्जाम निकाल के सेट हो जाइए। तो चलिए, जरूर हमारे साथ जुड़िए, जरूर हमारे साथ 20 सितंबर से जुड़िए। आप चाहे तो ऑफलाइन, आप चाहे तो ऑनलाइन, बहुत अच्छी से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपको जो भी समस्या होगी, जो भी डाउट होगा, वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो जरूर जुड़े, 3 दिन का कम से कम निशुल्क डेमो क्लास उपलब्ध है, उसको देखें आके, आपको क्लासेस पसंद आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि क्लासेस आपको पसंद आएगी ही। इसके अलावा अगर आपको पहले कुछ डेमो क्लासेस देखनी है तो आप YouTube पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं, लगभग सारे विषय के वीडियोस YouTube पर प्रोवाइड हैं, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, लाइव क्लासेस के वीडियोस भी हैं, तो आप वहां पे भी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें, 20 सितंबर से प्रारंभ होगी क्लास, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे, जैसा भी कंफर्टेबल है आप वैसा ज्वाइन कर सकते हैं। फीस क्या होगी, कितनी होगी, इन सभी बातों के लिए, क्लास कैसे ज्वाइन करना है, इन सभी बातों के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए, जितना जल्दी हो सके आप तैयारी आरंभ कर दीजिए। एक बहाना मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लीजिए, एक बहाना मिल जाएगा कि हाँ तैयारी करनी है, डेली 3 घंटा जाना है, पढ़ना है, तैयारी आरंभ हो चुकी है मेरी। तो तैयारी जितना जल्दी हो सके आरंभ कर दीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। चलिए, तो डिटेल में मैंने सिलेबस पे चर्चा नहीं की है, मैंने सब्जेक्ट बता दिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे सहायक शिक्षक में और कौन से शिक्षक में। तो जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और एग्जाम निकाल दीजिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।